तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो पर। तो गाइस आज की वीडियो पर आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ मेरा नो टॉप अप आईडी कलेक्शन। और गाइस मेरे आईडी पे जितना भी कलेक्शन है ना सभी फ्री के, और मैंने कभी भी फ्री फायर पे टॉप अप नहीं किया है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि गाइस फ्री फायर पे टॉप अप मत करो, टॉप अप करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरा ही आईडी देख लो, मेरे आईडी में बहुत अच्छा वायलेट कलेक्शन है, गन कलेक्शन है, और मैंने कभी भी फ्री फायर पे टॉप अप नहीं किया है, ठीक है। तो गाइस अभी मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ और मैं आपको भी बोल रहा हूँ गाइस प्लीज फ्री फायर पे टॉप अप मत करो। तो गाइस रैंक देख लो, बीआर रैंक पे मैं डायमंड 3 में हूँ और जल्दी हीरोइक भी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो मैं हीरोइक पुश कर रहा हूँ, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। और सीएस में मैं हीरोइक में हूँ, इसका भी सीएस रैंक का मैं टी शर्ट का जल्दी कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ। तो गाइस बैचेस पर देख लो, अच्छा है, अच्छा बैचेस है, मतलब कलेक्शन बहुत बढ़िया बैचेस का भी। और मैंने कभी भी इलाइट पास भी नहीं खरीदा है, ठीक है, इलाइट पास मैंने कभी भी नहीं खरीदा है। और नीचे में लिखा है हैशटैग नो टॉप अप, क्योंकि गाइस मैं हैशटैग नो टॉप अप को सपोर्ट करता हूँ। और गाइस आईडी का लेवल है 57 और मेरे को पूरे 1 साल हो गए आईडी को बनाए हुए, ठीक है। और उन 1 साल में मैंने बहुत बढ़िया कलेक्शन बनाया है। तो गाइस अभी मैं वायलेट से स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस फर्स्ट देख लो, ये रैम्पेज का बंडल है जो कि आपके पास भी होगा, अभी अभी मिला था। उसके बाद ये डायमंड रॉयल से मैंने निकाला है ये वाला बंडल, और मेरे को बहुत 100 लाख पे मिला था, मतलब मेरे को पूरे लगभग 1 ही साल लग गए थे यार 100 लाख करते हुए। उसके बाद ये वाला एनिवर्सरी वाला बंडल है, उसके बाद एफएफ टोकन वाला बंडल है, ये आपके पास भी होगा भाई, बहुत बढ़िया बंडल है। और ये भी एफएफ टोकन का बंडल है जो कि अपन लोगों OB28 के अपडेट पे मिला था। उसके बाद ये वाला बंडल देख लो, ये बाबा ब्लैक सी वाला बंडल है मेरे को लगता है। उसके बाद पंक्स्टर बंडल देख लो, मतलब इसको देखने के बाद आप समझ ही गए कि ये दिवाली पे मिला था, ठीक है। उसके टॉक्सिक बंडल देख लो, ये भी है। और रैंक टोकन का ये पूरा मैंने खरीद रखा है। एंड गाइस मेरे आईडी पे कुछ कम ही सामान होंगे जो कि मैंने पूरा नहीं खरीदा होगा। उसके बाद ये वाला देख लो, ये वाला होपन लोग को शायद दिवाली या होली पे मिला था पिछले साल के। और यहाँ बस इसको देख लो, एंड ये मैंने एफएफ टोकन से खरीदा है। उसके बाद ये वाला कीबोर्ड वॉरियर देख लो गाइस, ये अपन लोग का पिछला गोल्ड रॉयल है, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, ये देख लो, ये वाला बंडल देख लो, एंड ये वाला बंडल तो आपको आपके पास भी होगा यार, ये सभी के पास है, ठीक है। तो अभी अपन लोग हेड में, टोपी में, कैप में सभी चीज दिखा दिए, ठीक है। तो ये बंडल तो आप देख लिए, अब आप लोग देखो मोटरसाइकिल बंडल। एंड गाइस मैंने इसका कॉम्बिनेशन बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला बंडल पूरा खोल लिया है, क्योंकि जब मैंने फ्री फायर को पहले स्टार्ट किया था ना खेलना, तब मैं इसी बंडल को यूज़ करता था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला बंडल लिया है, एंड ये वाले बंडल को मेरे को डायमंड रॉयल से पूरा नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद मैक्लेरियन का हेड देख लो, और ये कीबोर्ड वॉरियर तो मैंने पूरा दिखा दिया है। उसके बाद ये देख लो, ये मेरे को अभी अभी 15 अगस्त में मिला था, ठीक है, क्रिकेट वाला बंडल है, और ये तो आपको दिखा दिया। एंड फेस मास्क पे देख लो, ये 2 है जो कि बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद इधर देख लो, बैंडिट बंडल है, बैंडिट बंडल है बोलते हैं इसे। एंड यहाँ पर इस सीजन का रैंक सीएस रैंक का टी शर्ट है, और ये पिछले सीजन का बीयर रैंक का है। और ये देख लो सीजन 7 का, मतलब गाइस आप समझ ही रहे हो ना सीजन 7 का है। और यहाँ पर ये देख लो, ऋतिक रोशन का पूरा बंडल मैंने निकाल रखा है, ठीक है। तो गाइस ये बहुत, मेरा कलेक्शन बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, वो तो बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये सब तो दिखा दिया, ये देखो ये वाला बंडल भी बहुत ओपी है, और इसको तो मैंने दिखा दिया एफएफ टोकन वाला। एंड ये मैंने गोल्ड रॉयल पर निकाला था, इसका कॉम्बिनेशन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि गाइस ये वाला बंडल मेरे को इतना खास नहीं लगा। और मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, लेकिन आप भी बोलोगे क्या नो कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो गाइस ये सामने ही देख लो यार, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। एंड यहाँ पर देख लो, डंग मास्टर है, और ये वाला बंडल तो आपको मैंने दिखा दिया। और इधर देख लो, इलाइट पास के कुछ शर्ट है, और ये वाला शर्ट मेरा वन ऑफ द बेस्ट शर्ट है जो कि मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। एंड गाइस इसको देख लो, एंड इसका मैंने शर्ट पैंट ही निकाला है, क्योंकि ये दोनों यूज़ के हैं, ठीक है। मैंने मैं
सटी यूज करता हूँ समझ लो। एंड ये बंडल तो आपको दिखा दिया इलाइट पास वाला, कुछ इवेंट के जैसे कि वन पंच बैंड इवेंट का शर्ट है, और ये मेरे को बिल्कुल ही फ्री में मिला था एफएफ टोकन और कुछ दिन के लिए है। ठीक है गाइस, मेरे पास के का बंडल भी है, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। ये देखो पूरे के की बंडल है यार, देखो यार मेरा उस समय बहुत लक था, मैंने डायमंड से नहीं निकाला है, फ्री स्पिन में निकला था। और गाइस अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना तो मैं आप सभी को मेरे दोस्त का आईडी दिखाऊंगा एंड उसके आईडी में ना मेरे से भी अच्छा कलेक्शन, अच्छा। ठीक है अभी मैं आप सभी को ये वाला बंडल दिखाता हूँ। ये वाला बंडल दिखा चुका हूँ यार, ये बंडल दिखा चुका हूँ जय का, देखे वो क्या गाइस, हाँ दिखा चुका हूँ शायद यार। एंड वही सब है जो कि अभी आपको मैंने दिखाया। एंड सूस पर देख लो आप, ऐसे ही देख लो यार। एंड यहाँ पास दो है मेरे पास, एक पांडा जो कि अपन लोग को रिडीम में मिला था, और ये है। और मैजिक क्यू देख लो, इतने मतलब मैजिक क्यू का डब्बा और क्रिएट अभी मैं जमा कर रहा हूँ। ठीक है तो गाइस अपन लोग पूरा एक्सप्लेन कर दिया वॉलेट, अब मैं आप सभी को करेक्टर दिखाता हूँ। एक डीजे आलोक है, ये देख लो डीजे आलोक, जो कि मैंने दो स्पेशल एयरड्रॉप से खरीदा, एक 10 वाला और एक 29 वाला। ठीक है और वूकोंग करेक्टर है, जय है, जो कि अभी आपको पता ही होगा गाइस कहाँ कहाँ से मिला है ये सब करेक्टर। थीवा आपको लॉगिंग रिवॉर्ड पर मिला है, और एडम भी है, एडम का ये वाला कॉम्बिनेशन आपने देखा ही होगा मेरे पिछले वीडियो पर। ठीक है तो करेक्टर पर देख लो, मैंने कभी भी टॉप अप नहीं किया है। आपको जोसेफ बता देता हूँ यार, आपको यकीन नहीं हो रहा तो गाइस जोसेफ देख लो यार, मैंने टॉप अप नहीं किया है। ठीक है अभी मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूँ। कलेक्शन पर इमोट तो आप देख ही लोगे यार, इमोट तो सभी के पास रहते हैं, और मेरा नॉर्मल इमोट है 5-6 इमोट। और यहाँ बस दो बाइक का स्किन है, 3 मॉन्स्टर ट्रक का, 4 मॉन्स्टर ट्रक की स्किन है समझ लो, और है ही यार 4 मॉन्स्टर ट्रक की स्किन है, और एक कार की स्किन है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, क्योंकि गाइस अभी मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है और यहाँ पर देख लो बैकपैक भी ठीक ठाक है, और सर स्काई विन है ये, एंड लूट बॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, और सर्फ बोर्ड देख लो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर देख लो ये बहुत रेयर लग रहा है मेरे को, ये मेरे को याद नहीं कहाँ से मिला है। लेकिन गाइस ये आपको क्या लग रहा है यार, ये वाला कैसा लग रहा है, मेरे को तो ग्रेट खली के जैसा दिख रहा है ना, आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसा दिखा। एंड बैनर अवतार तो वैसी ही यार जो आपके पास रहता है, और पिंस देख लो बहुत बढ़िया है। ठीक है अभी मैं आपको कलेक्शन भी बता दिया मैंने अपना, और पैट को आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मेरा पैट डाउनलोड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है मेरे पास एक रोबो पैट है, एक पांडा है, और एक किटी है, और बस रोबो पैट इतना ही है बस। ठीक है उसके बाद M4A1 की स्किन देखो, 3 M4A1 की परमानेंट, 2 है जो कि मेरे पास लेजेंड्री नहीं है M4A1 की। ठीक है मेरे को एक भी नहीं मिली, और एक ही की मेरे पास 4 स्किन है जो कि बहुत बढ़िया है, ये वाली मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, एंड ये वाला मैं डेफिनेटली हमेशा यूज करता हूँ। ठीक है और M14 की देख लो, एक ही परमानेंट है, इसको अपन लोग गिनेंगे नहीं गिनेंगे। ठीक है एंड यहाँ पास लेजेंड्री मेरे पास इस कार की एक ही है जो कि मेरे को बहुत घटिया लगता है, इस कार का मैं चलाता नहीं हूँ। उसके बाद ग्रोजा का गाइस देखो, ग्रोजा का एक है, फार्मर्स का 2 है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड यहाँ पास देख लो ये मेरा गोल्ड वेपन रॉयल से निकला था, और मेरे पास M4A1 की 4 स्किन है, एंड इधर मेरे पास एक भी स्किन नहीं है, और या SKS की मेरे पास 4 स्किन है, और इधर मेरे पास एक भी स्किन नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा यार स्क्रीन पे। M16 की 1 है, कॉर्ड की 2 है, और SMG की मेरे पास SMG UMP की एक ही है, UMP की एक ही, MP5 की 4 स्किन है, 1, 2, 3, 4, और VSS की एक भी नहीं है, और MP40 की 1 है, P90 की 2 है, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हो यार। और ये मेरे को ना 99 डायमंड पे, मैंने आपको बताया शुरुआत पे मैंने 3 स्पेशल एयर ड्रॉप बैक किए हैं, जिसमें मैंने 2 स्पेशल एयर ड्रॉप में आलोक खरीदा, और एक में आप लोग को याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, इसमें आप सभी को 99 डायमंड पे ग्लूअल की स्किन मिल रही थी, और थॉमस की स्किन, और फीमेल कैरेक्टर की बंडल मिल रही थी, तो गाइज ये वाला ऑफर मेरे को बहुत बढ़िया लगा तो मैंने खरीद लिया। शायद ये देख लो ये सब मेरे पास, मतलब मैं टॉप अप प्लेयर नहीं हूँ तो M1887 की स्किन नहीं है। ठीक है और यहाँ बस AWM की दिन के लिए है, कार 98 की 2 है, और
M8 2B की एक ही है, और इधर देख लो इधर भी बहुत अच्छे कलेक्शन है। और यहाँ पर पेन की स्कीन मेरे पास लगभग 5 है, प्राण की 3 है, बैट की 5 स्कीन है, और कटाना की, गाइस ये बहुत अच्छा कलेक्शन है कटाना की। मैंने को आप लोगों को लग रहा होगा ये टॉप अप पे आया था ना, लेकिन मैंने एक फ्री फायर की ग्लिच से निकाला था, ठीक है। मैं आपको वीडियो बना के दिखाया था, बट वो वीडियो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया। एंड वो वाला ये मेरे को एकदम ग्लिच से मिला था, ठीक है गाइस। फ्री फायर इसको मत हटा देना यार इस वीडियो को देखने के बाद। एंड ग्रेनेड की 6 स्किन है, ग्लूअल 2 है, जो कि आपको मैंने बताया थॉमस की स्किन और फीमेल कैरेक्टर का बंडल और ग्लूअल, और मैंने ले लिया 99 डायमंड पे, 2 ग्लूअल है, और अदर्स पर आप देख लो कुछ भी स्किन नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, और मेरा कलेक्शन आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पर आप लोग 50 लाइक्स का लाइक टारगेट करवा देते हो, या नहीं 20 लाइक्स का लाइक टारगेट आप लोग कंप्लीट करवा देते हो, तो मैं आप सभी को मेरा फ्रेंड का आईडी दिखाऊंगा, उसमें मेरे से भी अच्छा कलेक्शन है, ठीक है। एंड गाइज आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।